हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मेन लिटरेसी रेट। हम लोग एक टेबल है, हम लोग को देखिए क्या एक टेबल गिवन है, हम लोग को क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग एक टेबल गिवन है, डेटा गिवन है ना। क्या चीज़ का डेटा है हम लोग के पास, 35 सिटीज़ है, जिसमें क्या कह रहा है कितना, मतलब कि कितना लिटरेसी रेट है वो, उसका टेबल हम लोग को दिया है। हम लोग को जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिटीज़ दिया, 3 सिटी में जो लिटरेसी रेट है वो कितना से कितना तक है, 45 से 55 तक के बीच में है। और 10 सिटी ऐसा है जिसमें लिटरेसी रेट कितना से कितना तक है, 55 से 65 तक का है। और 11 सिटी ऐसा है जिसमें लिटरेसी रेट कहाँ से कहाँ तक है, 65 से 75 तक है। फिर 8 सिटी ऐसा है जिसमें, 8 सिटीज़ ऐसा है जिसमें लिटरेसी रेट कितना से कहाँ तक है, 75 से 85 के बीच में है। और फिर 3 सिटीज़ ऐसा है जिसमें लिटरेसी रेट 85 से 95 के बीच में दिया। तो हम लोग को इसी का क्या फाइंड करना है, मेन फाइंड करना है, मेन लिटरेसी रेट हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं, हम लोग इसको एज्यूम मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे, एज्यूम मेथड से। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग को जो गिवन था उसका हम लोग ने लिख लिया, टेबल में लिख लिया। अब एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालेंगे, 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं। 5 और 5 10, 0 वन हैंड में, 1 और 5 6 4 कितना हो जाएगा 10, 100 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जो 2, 2 5 जो 10 0 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर से इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब डी आई कैसे निकालेंगे, हम लोग को डी आई का ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं डी आई हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए डी आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, डी आई देखिए यहाँ पे एक्स आई माइनस ए है ना, तो ए हम लोग को किसी को क्या करना, एज्यूम को बोलते हैं ना, एज्यूम्ड, एज्यूम मेथड पड़े तो किसी को एज्यूम करना पड़ेगा। किसको एज्यूम करेंगे, देखिए एक्स आई में एज्यूम करते ना, ये हम लोग का एफ आई है, क्या है, एफ आई फ्रीक्वेंसी ना, तो हम लोग किस में एज्यूम करते हैं, एक्स आई में एज्यूम करना है ना, इसमें नहीं करेगा, एक्स आई में करेगा। देखिए कि बीच में मिड, बीच में कौन सा है, कौन सा वैल्यू बीच में, देखिए बीच में 70, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए एज्यूम्ड, ठीक है। आप चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को हम लोग ए मानेंगे, है ना। आप चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स आई कितना दिया, 50 माइनस ए कितना दिया है, 70, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 के पहले माइनस, इसलिए माइनस 20, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए फिर से डी आई निकालेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का फर्स्ट का आ गया। अब सेकेंड का देखिए, एक्स आई कितना है, 60 माइनस ए कितना हो जाएगा, 70, अब माइनस कर देंगे 70 में से 60 माइनस करेंगे 10 आएगा, माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि 70 बड़ा, 70 के पहले माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे 20। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एफ आई डी आई निकालना है, तो क्या करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे डी आई को, इसको इसके साथ, 3 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है। अब 11 को 0 से करेंगे 0, 8 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 80, और 3 को 20 से करेंगे तो 60। अब इन दोनों को ऐड देखिए, माइनस माइनस है तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 140। हम लोग को क्या निकालना है, समीशन एफ आई कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग का कितना था, 35 सिटीज़ था ना, तो ये भी हम लोग का जो एफ आई होगा कितना होगा, समीशन इसका 35, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए इसको भी हम लोग को ऐड करना है, क्या करना, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, समीशन एफ आई डी आई क्या आ जाएगा, हम लोग का ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे ना, ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पे ना, माइनस 160 है ना, और 160 क्या है, बड़ा, इसके पहले माइनस है, इसलिए माइनस है। अब चलिए हम लोग एज्यूम मेथड से सॉल्व करते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ए हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ए हम लोग का कितना है, 70 लिख देंगे, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई हम लोग का माइनस 20 है,
फिर अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 35, कितना है 35। अब चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स बार बराबर कितना था हम लोग का, एक्स बार बराबर हम लोग का कितना आया 70 प्लस ब्रैकेट में 20 अपॉन में कितना है 35। यही हम लोग का यही लिखा ना ब्रैकेट में। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं 70 प्लस क्या हो जाएगा। देखिए एक काम करते हैं, हम लोग प्लस माइनस कर देते, चलिए इसको यहाँ छोड़ देते 70। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 बाय कितना आ जाएगा 35, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं 5 से। यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, इसीलिए माइनस लिखे ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं ना, 54 जा 57 जा, 54 जा 50 और 57 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 35। कितना आया 70 माइनस 4 अपॉन में 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 70 माइनस, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 0.75 आएगा। कितना आएगा 0.75 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। 70 पॉइंट हो जाएगा 0.0, इसको के लेंगे 0.75। अब देखिए माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये जीरो है तो क्या करेगा, ये इससे मांगे, इसके पास नहीं है तो ये इसको देगा 1, 10 बना, ये इसको दिया तो देखिए ये इसको दिया 1 तो ये 10 बना और ये कितना बन गया 6, ये कितना बन गया 10, फिर से ये इसको दिया तो ये 10 बन गया 9, अब ये इसको दिया ये 10 बन गया ये 9, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही होगा और यहाँ पे 6 ना पॉइंट लग जाएगा। यहाँ कितना आ गया आंसर हम लोग का 69.43 आ जाएगा। ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा और हम लोग का यही होगा क्या आंसर ना, लिटरेसी रेट। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।